व्हाट इफ मैं अगर आपको कहूं कि आप घर बैठे बैठे एक बिटकॉइन जो है उसे बना सकते हो, एक ही क्यों नहीं आप 2-3 बिटकॉइन जो वो एक साथ बना सकते हो। पर अगर ऐसा होता तो सारे ही लोग मिलीनियर होते। तो ऐसा क्या है इसमें, माइनिंग क्या होती है, क्या बिटकॉइन माइनिंग जो है वो इंडिया में प्रॉफिटेबल है, आज यही चीजों को लेके ये क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो यस, डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन। तो टाइम्स जो है वो नीचे दिए गए हैं। सो यस, बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सारा माइनिंग जो है वो समझते हैं। सो यस, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज बिटकॉइन एंड इट्स फर्स्ट एवर ट्रांजैक्शन स्टोरी फॉर पिज़्ज़ा। सो तो पहले शॉर्ट में समझते हैं कि बिटकॉइन क्या है। तो बिटकॉइन सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी है जो कि लॉन्च हुआ था 2008 में बाय सतोशी नाकामोटो, जो कि बवाल मचा रहा है अभी। इस पे हमने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो, ऊपर आई बटन में पॉपअप होकर आया होगा। तो इसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन की स्टोरी सुनाता हूँ। 22 मई 2010 को लेस्लो हेनियसेस ने 10,000 बिटकॉइन को देकर एक पिज्जा खरीदा। वो तब $40 के आसपास था। अब वो 10,000 बिटकॉइन जिससे उन्होंने पिज्जा खरीदे थे वो अब $280 मिलियन के होते। जानता हूं आपको बुरा तो लग रहा होगा, पर अब क्या ही कर सकते हैं। तो अब समझते हैं कि ये जिस वजह से इतना सिक्योर है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स या कोई भी डाटा एक ब्लॉक में स्टोर किया जाता है, और ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स में बहुत सारा डाटा भरा होता है, एंड ये एक दूसरे से चेन की तरह कनेक्टेड होते हैं। और यही टेक्नोलॉजी यूज होती है क्रिप्टो करेंसी में डाटा को स्टोर करने के लिए। पिछला वीडियो हमने उसी पे बनाया था, ये भी आई बटन पॉप अप होकर बिल्कुल आया होगा। तो ये डाटा लैक्स ऑफ कंप्यूटर्स में होता है। सो टू ऐड अ ब्लॉक इन दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वी रिक्वायर माइनिंग। सो अब समझते हैं कि ये माइनिंग क्या होती है। बिटकॉइन माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम न्यू बिटकॉइन जो है उसे ऐड कर सकते हैं। पर सिर्फ ये माइनिंग यहां तक ही सीमित नहीं है, इसे ब्लॉकचेन लेजर को मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए भी यूज होता है। सो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग बहुत पेनफुल और कॉस्टली होती है, पर उतना ही ये रिवॉर्डिंग भी होती है। तो हम अब ये बिटकॉइन माइनिंग को एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। रमेश और सुरेश दोस्त हैं और दोनों को बिटकॉइन माइन करने हैं। रमेश और सुरेश ने अपने माइनिंग अकाउंट्स बनाए और माइनिंग शुरू की। दोनों को एक मैथ्स का प्रॉब्लम दिया गया जिसका आंसर उन्हें फाइंड करना पड़ेगा, और जो सबसे राइट गेस करेगा उसे चांस मिलेगा बिटकॉइन को माइन करने का। रमेश बहुत दिमाग लगा के आंसर सही गेस कर लिया सुरेश के पहले, क्योंकि उसका कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल था। सो ज्यादा पावरफुल तो ज्यादा फास्ट है, और ज्यादा फास्ट है तो वो पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर ज्यादा आंसर्स जो है उसे गेस कर पाया। अब रमेश एक टेम्पररी बैंकर है ब्लॉकचेन लेजर का, मींस वो अब जो भी पेंडिंग ट्रांजेक्शन है बिटकॉइन के, उन्हें वो एक ब्लॉक में स्टोर कर ब्लॉक को एड कर सकता है। अब ये इंफॉर्मेशन जो है ये सारे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स तक जाएगी जो कि ये ब्लॉक को चेक करना है, जो कि ये ब्लॉक को चेक करेंगे, और ये ब्लॉक को ऐड किया जाता है ब्लॉकचेन में। तो ये सिस्टम कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बिटकॉइन जो है उसे रिलीज करता है जो कि रमेश को मिलेंगे, एंड ऊपर जो ट्रांजेक्शन फीस होती है वो भी जब हम बिटकॉइन को खरीदते हैं उसका भी कुछ पार्ट जो है वो रमेश को जाएगा। पर हर बार जरूरी नहीं है कि रमेश ही सही आंसर गेस करेगा, सुरेश के पास भी अगली बार इक्वली चांस होगा ब्लॉकचेन में ब्लॉक को ऐड करने का। तो अब हम माइनिंग प्रोसेस तो समझी, पर अब समझते हैं कि माइनर्स कौन होते हैं। माइनर्स वो लोग होते हैं जो ब्लॉकचेन लेजर मतलब ब्लॉकचेन के डाटा को स्टोर एंड मेंटेन करते हैं। कंप्यूटर के पावर होगा, जितना ज्यादा कंप्यूटर का पावर होगा उतना ज्यादा आपके चांसेस है कि आप सही आंसर गेस कर पाएंगे। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एक बिटकॉइन माइनर बनने के लिए, ये थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर बिटकॉइन माइन करनी है तो आपको हाई कंप्यूटेशनल पावर वाला कंप्यूटर लगेगा। सबसे पहले CPU को यूज करके ही माइनिंग की जाती थी, बट अब GPU माइनिंग, FPGA माइनिंग, ASIC माइनिंग, इसको हम यूज करते हैं अभी माइनिंग करने के लिए, और बहुत फास्ट माइन करने के लिए। इसको हम कभी स्पेशल वीडियो में समझेंगे। सेकेंड जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लो कॉस्ट पावर सप्लाई लगेगा। यस, लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, एक अच्छा माइनिंग सॉफ्टवेयर लगेगा, एंड माइनिंग पूल की मेंबरशिप लगेंगी। अब हम लोग समझते हैं कि माइनिंग पूल्स क्या होते हैं, और ये जो चीज है ये आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ।
रमेश एंड सुरेश सपोज दोनों में से एक भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ लो कंप्यूटेशनल पावर। तो अब इन दोनों ने दिमाग चलाया और अपने 5 दोस्तों को बुलाया और इनके सिस्टम्स एक साथ कनेक्ट करके एक कंप्यूटर जो कि बहुत ज़्यादा हाई कंप्यूटेशनल पावर का था उसे बनाया और इसी तरह सब ने मिलकर ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम था इसे सॉल्व कर लिया। इसको कहते हैं माइनिंग पूल, जहां ग्रुप ऑफ क्रिप्टो माइनर्स अपनी कंप्यूटर पावर को कंबाइन कर बिटकॉइन जो है उसे माइन करते हैं। अब समझते हैं कि क्या ये प्रॉफिटेबल है इंडिया में, तो आंसर है नो। क्यों, ये पहले समझने कोशिश करते हैं। सबसे पहला, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा है वो अबाउट 5.43 रुपीस पर किलोवाट आर के आसपास है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई माना जाएगा अगर आपको बिटकॉइन जो है उसे माइन करना है। तो इक्विपमेंट सेकंड जो है वो है इक्विपमेंट, जो भी हम यूज करते हैं वो इंडिया में बहुत बार आउट ऑफ स्टॉक होते हैं तो उसे चाइना से मंगाना पड़ता है और जब तक वो आता है तब तक ये भी पुराना हो जाता है सिस्टम्स, क्योंकि डिफिकल्टी जो है हमारे बिटकॉइन को माइन करने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थर्ड, ये आपको अबाउट $5,000 टू $10,000 तक मिलेगा, पूरा जो हिसाब है वो पड़ेगा, जिसमें आप मेरे हिसाब से सीधा बिटकॉइन खरीद लीजिए क्योंकि वो आपको ज़्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट रहेगा। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में माइनिंग करते हैं, तो अब अगर माइनिंग करनी है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, जो कि आप ध्यान में रखोगे तभी आप जो है आपका माइनिंग ये इसको आप प्रॉफिटेबल बना पाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है ब्लॉक रिवॉर्ड। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप ब्लॉक को ऐड करते हो तो आपको बिटकॉइंस का कुछ रिवॉर्ड मिलता है, पर ये ब्लॉक रिवॉर्ड जो है वो हर 4 साल बाद या 210,000 बिटकॉइन के बाद हाफ हो जाता है, जो कि अभी 6.27 के आसपास है। मीन्स आप जब एक बार आप एक ब्लॉक को ऐड करोगे तो आपको 6.27 बिटकॉइंस जो है वो मिलेंगे। सेकेंड, माइनिंग डिफिकल्टी। माइनिंग डिफिकल्टी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कि अभी 13 ट्रिलियन पे है। मीन्स अब जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था माइनिंग, जब सबसे पहला था तब वो 0 थी, आज वो 13 ट्रिलियन की डिफिकल्टी है, तो आप सोच सकते हो कितनी हाई लेवल की डिफिकल्टी अभी चल रही है। थर्ड जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, तो कम होनी ही चाहिए, जो कि इंडिया में हमारे यहाँ ज़्यादा है, बट आपको ये एक पॉइंट रखना पड़ेगा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट देखनी पड़ेगी। जो फोर्थ पॉइंट है वो है पूल। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसकी फीस कंसिडर बिल्कुल करिएगा। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है बिटकॉइन प्राइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बिटकॉइन जो है अभी क्या रेट चल रहा है वो हिसाब से भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या आप जब माइन करोगे जो बिटकॉइन मिलेंगे तो क्या वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। सो इस तरह हमने हमारा जो बिटकॉइन माइनिंग है हमने बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझा, सिंपल भाषा में समझा। अब हम ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है, हम लोग ने ये सीरीज़ में अभी तक के 6 एपिसोड्स हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, तो आप जाकर 6 एपिसोड्स देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप क्रिप्टो करेंसी में आपका नॉलेज बिल्कुल बढ़ाइए क्योंकि ये फ्यूचर है इंडिया का। एंड यस, मैं बस आपको ये बोलना चाहूँगा कि यस डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग फैमिली वेयर वी आर फाइंडिंग सॉल्यूशंस एवरी सिंगल डे, शेयरिंग माय ओन नॉलेज ऑन दिस चैनल। एंड यस, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना बिकॉज वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्टेंट लेकर आ रहे हैं। सो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, सायोनारा सब आखिर मिलते हैं।